तेज बोल ना मर्दान, कराची में कितने अरसे से? 3 साल में गुंडा बन गया यहाँ के। तुम्हारा कौन सा गांव है? लक्की मरवत। कराची कितने अरसे से हो? 2 महीने में तुम बदमाश बन गए कराची में आके। हाँ बदमाश तेरे अभी पुलिस निकालेगी ना, एक और एफआईआर कर रहे हैं टीसी की। सही तरीके से फिर बदमाश बन। तेरे को कितना अर्थ हुआ है कराची में? तेज बोल तेज। क्या नाम है तुम्हारा? 1.25 महीने में बदमाशी करोगे इधर गुंडा कर दी तो ये क्या किया तुमने? बस इनको पकड़ा, पकड़ा उठा के तुम जमीन पे मार रहे हो बच्चों को, गरीब को, मजदूर को। जाओ कोई बार फोर्स में भर्ती हो, दहशत गर्दों को मारो ना, फोर्स में भर्ती हो, फिर तुम्हें हम सलाम भी करें कि नहीं यार मुल्क के लिए काम कर रहे हो, मुबल वतनी के। सीटें कम है तो तुम इधर सिंधियों को क्यों मार रहे हो, गरीबों को? तो अभी ये जो किया है इस पे कुछ पछतावा हो रहा है तुम्हें? क्या करना चाहिए था तुम्हें? कानून को बोलना चाहिए था। हाँ हम तो भाई सबसे प्यार करते, सिंध धरती है ही अमन की धरती, हर जुबाने बोलने वाले यहाँ पर, हमारी तरफ से तो कोई तकलीफ नहीं होती। ये बेगर्त तो तुम लोग बन जाते हो इधर आके। 1 महीना हुआ है तुझे, तू रोजगार करना अगर करने आए, तू बदमाशी क्यों कर रहे? तुम्हें कुछ पछतावा है? अगर ये हथकड़ी लगी है तो ये मुनासिब लग रहा है अमल अभी? अगर तुम गिरफ्तार करके दे देते दे वो अच्छा था या ये अमल अच्छा था? गिरफ्तार करके वो अच्छा था ना, तो हम भी नहीं आते, किसी चोर के बीच हम थोड़ी आते। अब वो चोर मुदई बन गया तुम्हारे गलत अमल से, तुमने उसको मारा इतना। तुम्हें कुछ हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था जो तुमने किया? क्या ये तुम्हें नहीं मारना चाहिए था ना, पुलिस को देना चाहिए था। हमने तो नहीं मार दिया, लेकिन उसने मोबाइल चोरी किया। मोबाइल चोरी किया तो पुलिस को दो ना, हम तो खुद कह रहे हैं पुलिस को दो। जिसका मोबाइल, जिसका मोबाइल था तो तुम अपना SHO बन जाएगा क्या इलाके का? उसने मार दिया, उसने मार दिया। तुम्हें शर्म नहीं आ रहा?